हेलो एवरीवन, IndianMoney.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हमारे ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है या हो सकता है, इसके बारे में आज हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है बैंक्स के पास, तो ये सिचुएशन तब आता है जब बहुत सारी कंपनीज जो है जिन्होंने बैंक से बड़े बड़े लोन्स ले रखे हैं और क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से वो लोन्स चुका नहीं पा रहे हैं बैंक्स को, और ये सारे बैंक्स के बैड लोन्स होते चले जा रहे हैं, बैड डेट्स होते चले जा रहे हैं और बैंक पे जो है ये प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उनका जो सिचुएशन हो जाता है इसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह के डिस्क्राइब करते हैं। बैंक्स जो है वो लॉसेस में चले जाते हैं, तो ये एक ऐसा एक स्टेज भी आ जाता है ग्रेजुअली इस प्रोसेस में कि अगर कंपनीज ने अपने आप को मान लीजिए कि बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो बैंक जो है कुछ कर भी नहीं सकती, उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, और कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि इन टर्न बैंक को भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ जाता है। तो ये एक सिचुएशन है बैड लोन्स वाला, बैड डेट्स वाला, और इस सिचुएशन में जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पब्लिक है, उनका जो पैसा बैंक के पास है वो कितना सिक्योर है, इस चीज़ को हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जितने कमर्शियल बैंक्स हैं, सारे बैंक्स जो है वो आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर में आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस बारे में काफ़ी सतर्क है, कॉशियस है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट और आरबीआई लेती है कि अगर बैंक डूब गया, बैंक का एक बैंकरप्सी वाला एक स्टेज आ गया है, तो आरबीआई का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और वो कोशिश करते हैं बैंक के पोजीशन को संभालने की। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली या तो बैंक्स का मर्जर या कंसोलिडेशन जिसको कि बोलते हैं वो कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई बड़ा बैंक अगर है तो उस बड़े बैंक ने इस पर्टिकुलर बैंक को टेक ओवर कर लिया, उसके साथ मर्ज कर दिया गया या फिर उसको टेक ओवर कर लिया गया, तो कंसोलिडेशन कर लिया गया। ऐसा कुछ बैंक्स जो है वो आरबीआई ऐसा कोई स्टेप लेकर उस बैंक के पोजीशन को संभालने की कोशिश करती है जिस हद तक हो सके। लेकिन इस सिचुएशन में भी हम ये जानते हैं, हम ये जान पाए हैं कि कॉमन मैन का जो, कॉमन पब्लिक का जो फंड है, जो डिपॉजिट्स है बैंक के पास, वो पूरी तरह से सिक्योर या सेफ नहीं होता। तो जो स्टैटिस्टिक्स हम रेफ़र करते हैं अगर, और हमें वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे ही हम आपको ये बात बता सकते हैं कि आज के डेट पे जो हमारे बैंक्स का जो स्टेटस है वो 10 लाख करोड़ पहुँच चुका है। 10 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है हमारे बैंक्स के पास, और ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। ये एक आइडियल सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है और कॉमन पब्लिक को भी कुछ हद तक अफेक्ट करता है, फ़र्क पड़ता है इससे। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स रेफ़र करें तो हमें ये पता चलता है कि बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स हैं, हमारे देश के लोगों के जो डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं, तो जितने डिपॉजिट्स हैं उसमें से कुछ 25 से 28% बैंक जो है लिक्विड एसेट्स में रखती है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 25 से 28% हमारे पैसे जो बैंक के पास है वो कुछ हद तक सेफ है, लेकिन बाकी जो 75% पैसे है बैंक के पास हमारे, वो शायद सेफ नहीं है। तो बैंकरप्सी की अगर हालत हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और आरबीआई वगैरह इंटरवीन करे, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, तो जैसा कि मैंने पहले बोला, कुछ हद तक संभाल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम एक और बात करेंगे कि एक इंश्योरेंस का भी एक स्कीम होता है आरबीआई के अंडर में, एक इंश्योरेंस है जिसके तहत आरबीआई ने मैक्सिमम कमर्शियल बैंक्स को कवर करके रखा है।
तो ये जनरल पब्लिक का पैसा चूंकि कमर्शियल बैंक्स के पास है, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स उसमें आ जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन वाले बैंक्स उसमें आते हैं, तो आरबीआई ने इंश्योरेंस के अंडर में कवर करके रखा है इन सारे बैंक्स को। लेकिन उसके अंडर भी ये एक कंडीशन है कि अगर आपका डिपॉजिट 1 लाख के ऊपर है किसी बैंक में, तो सिर्फ 1 लाख तक का आपका जो कवर है, आपका जो पैसा है वो कवर्ड रहेगा। 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट हो जाता है वो इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होता। तो फिर हम इसी दुविधा में पड़ते हैं कि अगर बैंकरप्सी वाली हालत हो जाती है, अगर कुछ अनसेफ इकोनॉमिकल सिचुएशन हो जाता है और बैंक्स डूबने लग जाते हैं, तो हमारे कितने पैसे सेफ हैं? तो फिर स्टैटिस्टिक्स चेक करो अगर आप, तो आपको ये पता चलता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 15% पैसे जो हमारे हैं टोटल, वो हमारे सेफ हैं। क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में 1 लाख से ऊपर का डिपॉजिट अलग अलग फॉर्म में रखा हुआ होगा, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह वगैरह। तो अगर बैंक सिर्फ इंश्योर करती है हमें 1 लाख तक के लिए, तो बाकी जो हमारे पैसे हैं 1 लाख के ऊपर का, वो सेफ नहीं है। तो फिर उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अप टू 15%, मतलब सिर्फ 15% पैसे जो हमारे पॉपुलेशन का है बैंक के पास, सिर्फ उतना ही सेफ है। तो ये एक जानकारी थी सबके लिए, और हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं या ये मैसेज देने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बैंक के पास पैसे सेफ नहीं है, या बैंक में हमें डिपॉजिट नहीं रखना चाहिए, या फिर बैंक के जो बैड लोन्स है, जो डेट्स है, जो NPAs है, वो कभी भी उस सिचुएशन से रिकवर नहीं करेंगे और ये और बुरा हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परफॉर्म करने लग जाएंगे, बैंक की हमेशा, RBI की, गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने हद तक हो सके वो NPAs से निकाले बैंक्स को। तो अगर थोड़ा भी सिचुएशन में सुधार आएगा तो हमारे जो पैसे हैं वो काफ़ी सिक्योर बैंक के पास रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आम जनता तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स का जो रियल सिचुएशन है वो आज के दिन में क्या है, क्योंकि 10 लाख करोड़ का बैड लोन्स NPAs होना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, पर हम ये उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि ये सिचुएशन ज़रूर बेटर होगा। इस सिचुएशन से बैंक्स, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो ज़रूर बाहर निकलेगी और हमारे पैसे उनके पास होपफुली सेफ रहेंगे। तो अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टिप्स चाहिए, या आपको फाइनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी या हेल्प चाहिए, तो हमारे टोल फ्री एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल करें। हमारा नंबर है 02261816111। इस नंबर पर आप हमें सिर्फ एक मिस्ड कॉल करें और हमारे वेल्थ डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको असिस्टेंस देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, अमीर बने। थैंक यू।